जय श्री कृष्णा दोस्तों, सबसे पहले अपन ने धारा के बारे में पढ़ाई किया, फिर इसके बाद में विभांतर। अब इन दोनों धारा और वोल्ट के विभांतर के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध को परिभाषित किया था ओम ने। ओम एक वैज्ञानिक था जिसने एक ओम स्लो दिया। अब ये ओम स्लो क्या था दोस्तों, समझना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएँ स्थिर रहे, जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समझना, बहुत ही सिंपल लॉ है। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य विभांतर वी, वे धारा आई हो तो वी प्रोपोर्शनल आई, और प्रोपोर्शनल का चिन्ह अगर अपन हटाएं तो वी बराबर आर आई। आर क्या है, एक स्थिरांक है, जिसे चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक देखें दोस्तों, तो R बराबर V अपॉन I मात्रक। V को अपन किस में मेजर करते हैं दोस्तों, वोल्ट में, और I यानी करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर को अपन क्या बोलेंगे, ओम। क्या बोलेंगे, ओम। अब दोस्तों अगर एक ओम की परिभाषा देखें, तो यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य एक वोल्ट विभांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध एक ओम होगा। अब दोस्तों देखो, अगर अपन भौतिक सत्यापन करें किस तरह से होगा, तो अपन क्या एक वोल्ट मीटर ले लें, एक अमीटर ले लें, एक रेजिस्टेंस ले लें, एक बैटरी ले लें, एक कुंजी ले लें, और एक धारा नियंत्रक ले लें। अगर अपन अलग अलग करंट प्रवाहित करें, तो पी वे क्यू के सिरों, आर रेजिस्टेंस है उसके सिरों पर उत्पन्न विभांतर जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। और अगर इसको अपन एक डायग्राम बनाए तो सीधी रेखा प्राप्त होगी धारा और विभांतर के बीच में। इसे बोलते हैं अपन विभांतर और धारा के बीच ग्राफ। यही ओम्स लॉ का सत्यापन है। अब दोस्तों इसी को अपन अगर एक सवाल करें दोस्तों, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभांतर होता है, यानी अपने को क्या दे रखा है दोस्तों, करंट दे रखी कितनी, 0.5 एम्पियर, और विभांतर कितना दे रखे दोस्तों, 2 वोल्ट। अब अपनी दोस्तों अपन ने ओम्स के लॉ से क्या निकाला था, आर बराबर वी पोन आई, तो वी की वैल्यू कितनी है 2, बटे आई की वैल्यू कितनी है 0.5, तो टोटल मिला कितना एम्पियर आ जाएगा, 4 एम्पियर। जय हिंद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों।